गाइस मैं हूँ, ये हो गोवा की बस है, ये टूरिस्ट बस है हो गोवा की। गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बस चलाती हैं टूरिस्ट लोगों के लिए है, और दो दिन का यहाँ पे पास मिलता है। नॉर्थ गोवा प्लस साउथ गोवा का दो दिन का पास का रेट पड़ता है 600 रुपीज़ पर हेड। तो ये गोवा की बस, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गोवा की हमारी बस है। ये बस से मैं अभी जा रहा हूँ, इस बस से हम लोग पूरा नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा हम लोग घूमेंगे। ये देखा हॉप ऑन हॉप ऑफ गोवा, हो हो गोवा, ये hohogoa.com से आप इसको बुक कर सकते हैं 600 रुपीज़ पर हेड फॉर साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा साइट सी। दिस इज द गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बस, दिस इज द हो गोवा बस। You can see here, hop on hop of Goa bus, Goa Tourism Development Corporation bus, and this is a bus for sightseeing in North Goa and South Goa. It is the ticket rate is 600 rupees per head for South Goa and North Goa sightseeing. So this is the HOHO bus, very nice bus and completely air conditioner bus. तो अभी अगोड़ा बीच को हमने देखा है, अगोड़ा बीच से हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पर जाके साइट सीइंग हम लोग करते हैं। चलिए गाइस हम लोग बैठते हैं बस में। मैं अपनी यह गोवा के ऊपर के टॉप फ्लोर पे मैं बैठ चुका हूँ, और हम लोग जा रहे हैं अभी साउथ सेंट्रल गोवा की हम लोग सैर करने। तो चलो गाइस चलते हैं साउथ सेंट्रल गोवा की टूर करने के लिए, और हम लोग देखते हैं कि साउथ सेंट्रल गोवा किस तरीके से ये बना हुआ है। ये है अभी तो हर किनारे नॉर्थ गोवा में है, ये नॉर्थ गोवा से हम लोग जा रहे हैं साउथ सेंट्रल गोवा की ओर, और ये हो बस वाली, देखिए हो बस आ रही है इस तरीके से। ये बस का मॉडल है, ये हो अभी लोग बैठने के हैं, अभी 25 लोग बैठेंगे यहाँ पर, और मैं तो जा रहा हूँ साउथ सेंट्रल गोवा देखने के लिए इस बस से। और ये बस हमने बुक किया हुआ है, बुकिंग ऑनलाइन भी होती है यहाँ पे, बस कार भी होती है यहाँ पे गोवा में आने के बाद में। काफ़ी अच्छा नज़ारा
का ये नॉर्थ गोवा है। गोवा वैसे बहुत छोटा सा ये कैपिटल है, और ये कैपिटल जो पंजी है, गोवा की कैपिटल पंजी भी कुछ ज़्यादा बड़ी है नहीं है, बीचेस काफ़ी है यहाँ पर, और बाकी भी डेस्टिनेशन अच्छे अच्छे जैसे मैं तो आपको दिखाऊंगा इसमें डेस्टिनेशन। तो गोवा की कैपिटल पंजी है, यहाँ पंजी की तरफ हमारी बस आ रही है, और ये पंजी में हम लोग देखेंगे पंजे मार्केट, वहाँ से साउथ सेंट्रल गोवा की ओर, और देखते हैं धीरे धीरे क्या हमें दिखाते हैं ये बस वाले। तो ये हो गोवा की बस, और हम लोग जा रहे हैं पंजी की। और ये गोवा वैसे दो भाग में बटा है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ज़्यादा बड़ा तो गोवा है नहीं। तो कल तो हमने नॉर्थ गोवा का टूर किया है, आज हम साउथ सेंट्रल गोवा का टूर कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग साउथ गोवा वहाँ का टूर करेंगे। तो चलो भाई चलिए हमारे साथ बैठिए, आप ये हो गोवा के और देखिए आपकी बड़ी अच्छी गोवा की ग्रीनरी, मांडवी रिवर भी काफ़ी फेमस है। हाँ, ये क्रूज वाला ये है ना। हाँ, कितना लेता है ये चार्ज? हाँ, क्या क्या करता है? अच्छा, क्या क्या करता है वो? इंडियन डांस रहेगा, खाने पीने को कुछ देता है क्या? हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, 2500 रुपये रहता ना वो कैसीनो प्राइस का, 2500 रुपये टिकट है, उसमें क्या खाना पीना उसमें फ्री है? अच्छा अच्छा, ओके ओके। और इसमें 500 में वो सिर्फ घुमाएगा, डांस वगैरह है? अच्छा, ओके ओके ओके। ये इवनिंग में है ना? ये लास्ट में होता है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं बाद में। नॉर्थ का कल हुआ ना हमारा? हाँ, यही तो बस से हुआ ना कल, नॉर्थ गोवा हो गया, आज क्या साउथ गोवा का बोले? हाँ, ये बस नहीं थी, दूसरी थी। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? ओल्ड गोवा। चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं ओल्ड गोवा की तरफ, और देखते हैं ओल्ड गोवा में, ओल्ड गोवा के डेस्टिनेशन हम लोग चेक करेंगे। मांडवी रिवर, कैसे नुस्खा की है यहाँ पोर्टुगाली
लोगों ने काफी कैप्चर बना के रखा हुआ है कचरा रिसाइकलिंग इसलिए बात आ रही है ना वो इसलिए बात आ रही है ये मांडवी रिवर देखिए मांडवी रिवर ये छोटी रिवर है हो गया और एक बस ये आइलैंड है ना ये कौन सा नाम क्या है इसका हाँ ये मांडवी रिवर तो गाइस हम लोग देख रहे हैं ये मांडवी रिवर और मांडवी रिवर में वो एक दूर से आप देखिए वो वहाँ पे दूर से आप देखिए तो ये एक आइलैंड है ये आइलैंड नजर आएगा यहाँ पे और आइलैंड और ये विटू की ये बिल्डिंग है यहाँ पे तो शॉपिंग मॉल नजर आ रहा है और दिस इज द मांडवी रिवर एंड दिस इज द मांडवी रिवर आइलैंड दिस इज द मांडवी रिवर इज वेरी फेमस इन द गोवा एंड मांडवी रिवर आइलैंड इज ऑल्सो फेमस इन गोवा यू कैन सी दिस आप देख सकते हैं ये मांडवी रिवर का ये परिसर चाहिए किसी को तो ले लो शॉपिंग मॉल और ये हो गोवा में काफ़ी पब्लिक है अभी बस बर्फ भी है हमारी काफ़ी लोग दिख रहे हैं आपको गोवा में जब ओल्ड गोवा जाने के लिए ये हाईवेज हाईवे से हम लोग ओल्ड गोवा की तरफ हम लोग जा रहे हैं मांडवी रिवर मांडवी आइलैंड आदि जब लोग गोवा
डेवलप स्टेट नॉर्थ सिटी मांडवी, हम मांडवी में हैं, मांडवी रिवर पे सुंदर था मांडवी रिवर बाकी आप चेक कर सकते हैं मांडवी रिवर मांडवी आइलैंड मांडवी रिवर काफ़ी फेमस है यहाँ पे गोवा में गोवा स्टेट में मांडवी रिवर ये हम लोग ओल्ड गोवा जाने के रास्ते में हम लोगों को लगी हुई है तो ये हमारी ये बस होहो गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हमारी ये बस है जो हमें साइटसिंग कराती है और साइटसिंग कराते हमें मीराबार बीच का साइटसिंग किया अभी मांडवी रिवर का साइटसिंग किया है और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं ओल्ड गोवा की तरफ काफ़ी अच्छा गोवा है गोवा का परिसर काफ़ी चारों तरफ ग्रीनरी पानी साफ सुथरे रोड अच्छे लोग काफ़ी हाँ थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे बस तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस की फैसिलिटी बहुत सुंदर सी ये है किया हुआ है काफ़ी सस्ता लंच है 110 रुपये में वेज लंच यहाँ पे अवेलेबिलिटी है और साथ में बार भी हैं तो वाइन विस्की जीन रम जो भी बियर लेना है आप ले सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सस्ता है देखिए जंगल पहाड़ में ये बसा हुआ है एक अच्छा सा रेस्टोरेंट काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं देखिए बस वैसे यहाँ पर लगी हुई है ये पॉलर टूरिस्ट सेंटर चलते हैं थोड़ा बस के अंदर में क्योंकि गर्मी काफ़ी है लेकिन आज 12 फरवरी 2020 फिर भी गर्मी है काफ़ी तेज़ी से नहीं वो इसी तरह अभी आगे पीछे मत करो इसका बैठ
ट्राइपॉड है ना उसमें, देखिए ट्राइपॉड उसमें चेक करो, मैंने रखा वहाँ पर, देखता हूँ, चेक तो कर एक बार।